आज का वीडियो दोस्तों उन मित्रों के लिए है जो पूंजी नहीं है, पूंजी के अभाव में सपने बड़े हैं तो, लेकिन उस सपने को पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि पूंजी नहीं है। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों मात्र सिर्फ 2000 रुपये से आप अपने बिजनेस की शुरुआत करिए। 70 रुपये की लागत का 4 रुपये में बेचिए, 70 रुपये की लागत का 4 रुपये बेचिए। और ये भी बताएंगे इसको आप कंपनी लेवल पर कैसे ले जाते हैं, और ये भी आपको बताएंगे दोस्तों उसको कैसे बनाना है और मार्केट में उसको किस ढंग से सेल करना है, और एक दिन के आपकी प्रॉफिट कितना आएगा ए टू जेड एकदम परेड के लिए आज आपको हम बताएंगे। सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए दोस्तों। अब तक हमने बड़े लोगों को बड़ी काम करने के लिए वीडियो बनाए, लेकिन हमारे विचार में आया क्यों ना हम उन मित्रों के लिए वीडियो बनाएं जो दिन भर मेहनत करते हैं और उनको मिलता कितना है, मात्र 500 रुपये। 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 500 रुपये इस धूप में। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो से आज वो आपको जानकारी लेकर जाएंगे, आप अपने सपने को नया पंख दे सकते हैं, अपने सपने को नई उड़ान दे सकते हैं। और ये रियलिटी है, आप गांव में रहिए, गांव से ही इस बिजनेस को शहर तक पहुंचा दीजिए, आप गांव में रहकर ही इस बिजनेस को शुरू करके बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, ना तो आपको कोई मशीन खरीदना है, ना तो आपको कोई दुकान लेना है, और दोस्तों ना तो आपको कोई लाइसेंस लेना है, कुछ नहीं लेना, बस छोटे मोटे सामान मार्केट से लीजिए, बनाइए। और वो बिजनेस जो मैं बता रहा हूँ हर घर की नीड है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबको उसकी नीड है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं मित्रों, वो कौन सा बिजनेस आज हम बिजनेस लेकर आए हैं, हल्दी पाउडर का बिजनेस। हल्दी पाउडर का बिजनेस सब लोग जानते हैं दोस्तों, आज के इस लाइफ स्टाइल में जो भी घर की बहुएँ आ रही हैं, किसी के घर सिलबट्टा नहीं है, सब लोग पीसा हुआ रेडीमेड यूज करते हैं। और मार्केट में रेडीमेड जो आ रहा है वो क्वालिटी नहीं, जो क्वालिटी है भी वो 400-500 रुपये किलो का है। बाकी तो कंपनियां बहुत सारी हल्दी पाउडर बेचती है, कोई 200 रुपये बेच रहा है, कोई 250, कोई 300, कोई 350, रेट कोई फिक्स नहीं, यानी कि 250 रुपये के नीचे हल्दी पाउडर नहीं है। तो लागत कितनी आती है आज हम आपको बताएंगे, आराम से बेचिए और बनाइए, जाकर के बेचिए। लेकिन एक चीज़ को याद रखिएगा, कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज न मत करिए, ऐसे क्वालिटी दीजिएगा कि यही मैं यूज कर रहा हूँ, ये सोच करके बिजनेस को करिएगा जो मैं दूसरे को देने जा रहा हूँ वही मैं खुद खा सकता हूँ और मैं खुद खाता हूँ, इसलिए क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। क्वालिटी का बेचोगे तो जिंदगी भर बिजनेस चलेगा, जिस दिन क्वालिटी से समझौता कर दोगे उस दिन बिजनेस आपका फ्लॉप हो जाएगा, इसलिए कभी क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करना। कैसे करना है आप अपने क्षेत्र से दोस्तों, अगर आप गांव से हैं तो गांव में कुछ लोगों के घर या कुछ ऐसे स्टेट हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे हल्दी का उत्पादन होता है, आप वहां से खरीद सकते हैं, वहां से शुद्ध हल्दी लीजिए, बनी बनाई हल्दी आती है, या उनके खेत से जब कच्ची हल्दी को खोदी जाती है तो वहीं से आप हल्दी ले लीजिए, एकदम प्योरिटी। अब उसको कुछ नहीं करना रहता, उसको उबाल दीजिए, लाके पका दीजिए, पकाने के बाद उसको सुखा दीजिए, सुखाने के बाद हल्दी रेडी हो गई, बस उसको पिसा लीजिए, एकदम प्योर नेचुरल हल्दी हो गई। ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने मार्केट से हल्दी लीजिए। हल्दी कौन सी लेनी है आपको, हल्दी दोस्तों नागपुरी लेनी है, वो हल्दी ऐसे पतली सी लंबी सी होती है, उसको आप खरीदिए। उसको खरीदने के बाद अगर आप गांव से हैं तो कुछ गांव में ऐसे मशीन लगाए रहते हैं, उनकी चक्की अब बढ़िया से नहीं चलती क्योंकि गांव में बहुत कम लोग पिसाते हैं, तो उनके यहाँ जा करके आप पिसा दीजिए। अब इसको खरीदना कितना है, मार्केट में नागपुरी हल्दी आज का रेट जो है दोस्तों वो 80 रुपये किलो बेस्ट क्वालिटी का है, 90 रुपये किलो है, चलिए आप उसको पाते हैं 90 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, तो उसको लेना है। अब ला करके आप अगर गांव में पिसा रहे हैं तो गांव में 10-15 रुपये में पिस जाएगा, अगर शहर में पिसा रहे हैं तो शहर में कुछ दुकानदार कुछ मशीन ऐसी लगाए हैं, बड़ी मशीनें लगाए हैं, तो क्या करते हैं 7-8 रुपये किलो पीस देते हैं, क्योंकि उनका वही काम है, बड़े स्तर पे कुंतल कुंतल पे पीसते हैं, तो उनके यहाँ से सब जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं उनके यहाँ से पिसाते हैं और खुला उसको मार्केट में बेचते हैं, तो आप कहीं से भी उसको पिसा सकते हैं। अब उसकी पिसाई मान लीजिए हो गई 10 रुपये, आपने खरीदा 80 रुपये में, लागत आ गई 90 रुपये, 90 रुपये में आपकी एकदम प्योर हल्दी हो गई,
हल्दी अभी भी देखना उसको थोड़ा सा पतला ही पीसिएगा, मोटा मत पिसाइए क्योंकि सब पतला लेते हैं, एकदम प्योर। अब इसी हल्दी को आप खाने में यूज कर सकते हैं, कुछ लोग इसको दूध में पीते हैं डाल के, वो दूध में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा, कभी क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करिएगा, और हल्दी खरीदते समय पुरानी हल्दी मत लीजिएगा, थोड़ी सही हल्दी लीजिएगा। किसी किसी थोक विक्रेता के यहाँ उनके यहाँ कई साल की हल्दियाँ पड़ी होती है, तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, उसका पीलापन कम हो जाता और उसमें घुन वगैरह लग जाते हैं, तो कीड़े लग जाते हैं। ऐसी हल्दी आपको नहीं लेना है, एक चीज़ तो ध्यान दें। अब जब आपने हल्दी पिसा लिया, अब आपको क्या करना है? अब आपको आप सोचेंगे इसको हम पैकेट कैसे करेंगे, पन्नी नहीं मिलेगी। अब आपको अगर ऐसे पन्नी लेना है, ऐसे नॉर्मल पन्नी लेना है, तो आपको सिल्वर पाउच आता है, सिल्वर पाउच ले सकते हैं, जिप लॉक ऐसे दबा देंगे उसमें भर के ऐसे भी बेच सकते हैं। नहीं तो आपको क्वालिटी और बढ़िया पैकिंग अट्रैक्टिव देना है, तो मार्केट से आप दोस्तों इस तरह से डिब्बे लेना है, इस तरह से। अब इसमें छोटी बड़ी दो साइज, ये तीन देखिए, ये साइज और देखिए ये साइज, इस साइज से आपको लेने हैं। और दोस्तों इस साइज का आपको लेना है। अब देखिए इस साइज का आप ले लीजिए, इसमें आता है आधा किलो, इसमें आएगा 400 ग्राम और इसमें आता है 250 ग्राम। हम आपको समझाते हैं। अब इसमें आपको आ गया 500 ग्राम। अब इसी ढंग से आप अपने ढंग से देखिए, हमने दोस्तों बताया रियल, जब मैं किसी से बता देता हूँ, कोई सक्सेस होता है करता है, तभी मैं आप लोगों के सामने बताता हूँ कोई चीज़, ऐसे मैंने बताया। इस ढंग से आपको स्टिकर छपवा लेना, ये स्टिकर दोस्तों आपको 1 रुपये में छप जाएगा। इस ढंग से आप स्टिकर किसी के यहाँ प्रिंटर के यहाँ चले जाएंगे, आप छपवा लीजिए, जो नाम आपको देना है नाम दे दीजिए, चक्की मेड लिख दीजिए, प्योर नेचुरल लिख दीजिए, इस तरह से धनिया पाउडर, तो यहाँ पे हल्दी पाउडर देखिए, ये हल्दी पाउडर है, इसमें 400 ग्राम का आता है, तो हल्दी पाउडर। इस ढंग से आप जो ही नाम देना चाहते हैं नाम दे दीजिए, हैंडमेड एंड होममेड डाल दीजिए, उसकी MRP डाल दीजिए। अब MRP अभी आपको कितना डालना वो भी बता दें। इस ढंग से आप उसको पैकिंग कर दीजिए। अब पैकिंग करने के बाद इसमें कोई मशीन की ज़रूरत है? कोई मशीन की ज़रूरत नहीं। अब इसी में देखिए आपको ऐसे लगा दी देना। अब देखिए दोस्तों आपको बढ़िया कंपनी जैसे पैक करती है, देख रहे हैं इस ढंग से। ये जो आपको लगा सिल्वर पैक ना, ये सिल्वर पैक आता है आपको मार्केट में मिल जाता है। अब जब जाएंगे जो रॉ मटेरियल जिसके यहाँ पैकेजिंग मटेरियल मिलता है उनके यहाँ मिल जाता है, 400 रुपये में 1000 यानी 40 पैसे का। अब आपको इसको लाना, हल्दी आपने इसमें पैक कर लिया, अब बेट मशीन आपको एक लेना है, तो बेट मशीन आपको 250 रुपये से शुरू होती है, 500-600 जो भी आप एक ले लीजिए, सस्ती मशीन ले लीजिए। और उसको पैक करने के बाद इसी तरह से इसको पैक कर दीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। इसी ढंग से अब इसको हो गया, अब आपका इतना अट्रैक्टिव, कितना फर्स्ट क्लास हल्दी। अब आप पाउच का भी बेच सकते हैं, ऐसे भी बेच सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा बिकता है। क्यों बिकता है? लोगों को गाँव में डिब्बा खरीदने की ज़रूरत नहीं, गाँव में जाएंगे डिब्बा खरीदने, 15-20 रुपये उनको डिब्बा मिलेगा। अब वो सोचेंगे आधा किलो हल्दी ले लेते हैं, अब तो हमारा आधा किलो हल्दी 2-1 महीना चल जाएगी और हमको डिब्बा फ्री मिल गया। जब फिर दोबारा हल्दी लेंगे, चलो एक डिब्बा हमको मिला ही था, इसमें हम दूसरा सामान रख देते हैं, अचार रख देते हैं, सिरका कुछ भी रखना हो रख देते हैं। तो गाँव में ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं ऐसे हवा हवाई की बात नहीं करता। तो इस ढंग से आप लेकर के पैक कर दिए, रेडी हो गया। अब इस पर स्टिकर चिपका दीजिए, उसमें वैसे स्टिकर इसमें ऐसी तरह से आप नाम, उसकी कितना वेट है, आपने उसको किस दिन बनाया है, उसकी एक्सपायरी क्या है, ये आप डाल दीजिए। और उसके बाद उसमें कितना रेट है, रेट भी डाल दीजिए। अब रेट थोड़ा सा बढ़ा के दीजिएगा, फिर बाद में उनको जब बेचने जाना है, बेचना कैसे ये बता दें। अब आप यहाँ तक कंफर्म हो गए हो तो आगे बढ़ें। जैसे आप कंफर्म हो गए, आपने पिसा लिया, हल्दी और धनिया दो चीज़ें ज़्यादा बिकता है दोस्तों, मिर्चा जो पिसा हुआ बहुत कम बिकता है, लोग इसका हरा यूज करते हैं। तो अभी मर्चे पे आप मत जाइए, इसी दो प्रोडक्ट को आप बनाइए। दो प्रोडक्ट को 10 किलो आप हल्दी ले लीजिए मार्केट से, 10 किलो आप धनिया ले लीजिए। अब आप अगर गांव से हैं तो धनिया इस समय बहुत उत्पादन हुआ है, आप गांव से जाके खरीद लेंगे तो वहाँ सस्ता मिलेगा, नहीं तो मार्केट से भी ले सकते हैं 100 रुपये KG धनिया। धनिया आप देसी लीजिएगा। धनिया में दोस्तों देखिए, किसी किसी दुकानदार के यहाँ बहुत पुरानी पड़ी होती है, उसको हाथ में लीजिएगा, ऐसे रगड़ के सूंघ लीजिए, बढ़िया से खुशबू आए वही लीजिएगा। क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत करिए, नहीं तो डायरेक्ट जो है किसान के घर से अगर आप ले लेते हैं वो सबसे बेस्ट है।
उसके यहाँ तो बेस्ट क्वालिटी सब कुछ बढ़िया एकदम नेचुरल मिल जाएगा। किसान के यहाँ पे हल्दी और धनिया दोनों एकत्रित कर सकते हैं। अभी आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, अब हम ये बताएंगे, जैसे हमने आपको पहले बताया आप मजदूरी कर रहे हैं तो 500 रुपये पा रहे हैं, अब इसमें आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि सर हमने बिजनेस शुरू किया हमको हो नहीं पाया, तो ये भी बताएंगे अभी कैसे बेचेंगे, तो आपका मजदूरी से ज़्यादा होगा ऊपर से आपका ब्रांड भी बनेगा। अब यहाँ तक अगर क्लियर हो गए, आपका माल पैक करके रेडी हो गया, अब इसको सेल कैसे करना है, अभी आप इसको सेल करने दुकानदार के यहाँ जाएंगे ना, दुकानदार दुनिया भर के नखरे दिखाएगा, अरे यार हल्दी मैं तो उसका कंपनी का बेचता हूँ, मैं उस कंपनी का, मैं किस कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ पार्टिकुलर, जैसे आपके एरिया के जो कंपनियाँ पॉपुलर होगी हल्दी मिर्चा धनिया की ना, वो कहेगा कि मैं उसको मिल ले रहा हूँ, उसको इतने मिला कितने मिल रहा है उसको भी पता है, आप मार्केट में उतरे हैं आप कितने में पा रहे होगा आपको पता है, लेकिन आपका सस्ता दे दें मिट्टी के भाव आप उनको दे दें तो इसलिए वो ऐसे नखरे दिखाते तो आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि अभी आपको इसको ब्रांड बनाना है तो आपसे नहीं लेंगे, भैया हम नहीं लेंगे, क्या पता तुम क्वालिटी दिए हो कि नहीं दिए हो, कोई हमसे लेगा कि नहीं लेगा, तो इनके पास आपको नहीं जाना है, आप डायरेक्ट सेलिंग करिए, यानी जैसे डायरेक्ट एक सेलिंग होती है, आप मैन्युफैक्चरर हैं आप डायरेक्ट जा कर के कस्टमर को दीजिए, जिसको नीड है उसके घर जाइए और कहिए मैं बेरोजगार हूँ, मैं प्योरिटी के साथ, अगर हो सके तो दोस्तों जो हल्दी आप पीस रहे हैं आज सबके पास स्मार्टफोन है तो आप उस स्मार्टफोन से जो हल्दी धनिया पीस रहे हैं उसकी एक वीडियो बना लीजिए, और जिसके यहाँ पिसा रहे हैं उसकी भी एक वीडियो बना लीजिए और वो दिखा दीजिए, देखिए एकदम प्योर हमने पीसा है, अगर आपको इसमें कोई मिलावट नज़र आती है या कोई इसमें मिलावट साबित कर देगा तो मैं ये हल्दी फ्री में दूंगा, उसके बाद इसका 2 गुना पैसा भी मैं आपको रिटर्न, आपको उनको विश्वास जीतना है, मैं यही खाता हूँ मैं यही खिलाता हूँ यही मेरा संकल्प है, तो उनको आप विश्वास में लाइए, तो ऐसे जब वो आपसे एक बार प्रोडक्ट ले लेंगे, अगर वह वास्तव में प्योरिटी खाता है तो आपका प्रोडक्ट लेगा और यूज करने के बाद वो दोबारा आपको लेगा, तो ये तो आपको हो गया घर घर जाके बेचने का, इसी ढंग से बेचना है, तो जब आप इस घर से घर घर जाके बेचेंगे तो एक दिन में होते हैं दोस्तों 8 घंटे, आप किसी के यहाँ काम करते थे 8 घंटे काम करते थे, 8 घंटे का आपको 500 रुपये मिलता था, लेकिन आप दूसरे के लिए काम करते थे, जिस दिन आप वहाँ काम करोगे उसी दिन पैसे मिलेगा, आप जिस दिन काम नहीं करोगे उस दिन पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ये अपना बिजनेस है, आज आप 8 घंटे में अगर आपने 80 लोगों को ये अपना प्रोडक्ट बेच दे, प्रोडक्ट लेके चले गए, 80 लोगों को बेचने देने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ बेच दिया, 80 लोगों के पास ये अपना प्रोडक्ट लेके चले गए हल्दी मिर्चा, तो कम से कम उसमें से 20 लोग तो ले ही लेंगे, 20 लोगों का घर तो खत्म हुआ होगा, लेकिन फिर जब अगले दिन 80 के पास जाएंगे, इन्हीं के पास जब दोबारा आप रिपीट भी आएंगे, तो यही 80 लोगों में 20 आपके लिए थे, 20 आपके फिक्स हैं, वो जो 20 थे जिसकी रिक्वायरमेंट तब नहीं थी अब हो गई, तो आपके फिर 20 लेंगे, धीरे धीरे ये बन जाएंगे, तो आपको 20 ले लिए, चलिए 20 लोगों ने आपसे एक एक पाव ले लिया या आधा आधा किलो ले लिया, तो आपका कितना बिका, 20 में से आधा आधा किलो 10 किलो आपका, 10 किलो आपका बिका, लेकिन यहाँ पे आपका खुद का ब्रांड बिका, आप कॉन्फिडेंस साथ अपना सामान बेच रहे हैं, अपना ब्रांड बेच रहे हैं और अपने अपनी कंपनी अपने प्रोडक्ट की एक न्यू रख रहे हैं, वो जो न्यू रख रहे हैं वो न्यू आपको काम आएंगे, जैसे कोई बीज आप खेत में डालते हैं और उसकी फसल कितना दिन बाद काटते हैं, एक छोटा सा बीज खेत में डालते हैं वो 1 हफ्ते बाद उगता है और फिर आपको 3 महीने बाद वो तैयार होता है, लहराने लगता है खेती में, एकदम खेती हरी भरी हो जाती है, तो उस एक बीज से चाहे वो धान हुआ या गेहूँ हुआ 20 बीज तैयार होता है, लेकिन कितना दिन बाद, 3 महीने बाद, और 3 महीने बाद वो अपना हिसाब किताब ब्याज के सहित आ रहा तो उसमें आप, लेकिन अगर वही गेहूँ आप मजदूरी करके काम करेंगे तो उसी दिन पाएंगे वो आपका खेत, इसी तरह से आप एक न्यू रख रहे हैं, अपने बिजनेस की न्यू रख रहे हैं, तो जिस दिन ये खेती तैयार हो जाएगी दोस्तों, चाहे आपको 1 साल परिश्रम करना पड़े चाहे 2 साल परिश्रम करना पड़े, तब आप नहीं जाएंगे घर घर, तब आपके आदमी जाएंगे घर घर, ये होता है बिजनेस करने का तरीका। चलिए दोस्तों, अब आपने 10 किलो का फिल कर लिया, तो ये इसकी लागत जो हमने निकाला, अभी आपको डिब्बे का कास्ट नहीं बताया, ये डिब्बे आपको मिलता है दोस्तों जिसमें 400 ग्राम आता है, ये डिब्बा मिलता है 8 रुपये में,
और एक डिब्बा जो छोटा डिब्बा है दोस्तों, इसमें आपका आएगा 150 ग्राम, लेकिन 150 ग्राम का भी आपको पैकिंग नहीं करनी है, अभी आपको पैकिंग करनी है 250 ग्राम और आधा किलो, इसमें आता है 250 ग्राम। ये भी डिब्बा आपको पड़ता है 8 रुपये का, चाहे आप 400 ग्राम लीजिए चाहे आप 250 ग्राम लीजिए, दोनों एक ही रेट मिले और दोनों की क्वालिटी दोस्तों डिब्बा मजबूती वाला लोकल डिब्बा नहीं। तो आप लागत आ गई आपका 250 ग्राम यानी आधा किलो आ गया, ये भी डिब्बा आधा किलो का है, इसमें भी दोस्तों मिलता है आपको 8 रुपये से 10 रुपये, हो सकता आपको 10 रुपये मिले। तो उधर लागत कितनी आई थी, 80 रुपये के जी हल्दी, 80 रुपये किलो, देखिए बताए 80 रुपये के जी आपकी हल्दी हो गई और 10 रुपये हो गया दोस्तों पिसाई आपका, उसका पिसाई हो गए और इसमें 10 रुपये हो गया दोस्तों डिब्बे का, 2 रुपये हो गया स्टीकर का, और क्या लागत लगे, कुछ नहीं, 80, 10, 90, 10, 100, 102 रुपये, 102 रुपये के जी तैयार है। और इसको आप मार्केट में इतनी शुद्ध जो हल्दियाँ बिक रही हैं इस समय 450 में कोई बेच रहा है, जो ब्रांडेड कंपनी मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन आप देख लीजिएगा, 350 रुपये हैं और दोस्तों 300 रुपये हैं, 200, 250 रुपये, इससे नीचे किसी की हल्दी नहीं है, किसी की नहीं होगी, आप मार्केट से सर्च कर लीजिएगा, जो ब्रांडेड है वो 450 में लूट रहे हैं, जो उससे थोड़ा कम ब्रांडेड 350 में, 300 में, और जो लोकल आपके एरिया की कंपनी होगी वो 250 में, इससे कम कोई नहीं दे रहा है। तो ये 250 के अभी आपको फिल करना है, इनको आपको करना है, ब्रांड बनाना है, क्योंकि हम अपनी पूंजी की शुरुआत कर रहे हैं, अपनी नींव रख रहे हैं, तो 250 में आपको बेचना है, इस 250 को आपको तोड़ के बेचना है 220 रुपये के जी, आप जाके घर पे दे रहे हैं 220 रुपये दे रहे हैं, वो भी डिब्बे की पैक में दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, चलिए 102 रुपये लागत आ रही है, हम यहाँ पे 110 रुपये मान लेते हैं, 110 रुपये घटा देते आपका कितना हो गया दोस्तों 110, चलिए हम यहाँ पे 120 मान लेते, 100 रुपये के जी आप कुछ टहल रहे हैं चाय पानी का, यहाँ पे आपकी 100 रुपये के जी की बचत हो रही है, 100 रुपये एक किलो पे आप फिल कितना कर रहे हैं 10 के जी, 10 × 100 आपका 1000 रुपये हुआ, आपका 1000, आप यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं 8 घंटे, आपको मिल कितना रहा है 500 रुपये, वो भी पसीना बहा रहे हैं, आपको मालिक से डांट मिल रही है, ऐसे करो साले ऐसे करो काम, तो काम चोर हो बैठ गए हो ये कर रहे हो, और पूरा दिन चाहे कितनी भी धूप हो उस धूप में क्यों दोस्तों, अपना लाइफ चेंज करो, आपका लाइफ चेंज करने का आपके हाथ में है, कैसे आप चेंज कर सकते, आज ऐसा कोई मित्र नहीं है जो 10वां पास ना हो, 10वां पास, BA पास, इंटर पास, आज क्या कर रहे हैं 8000, 10000, 15000 महीने की नौकरी कर रहे हैं, 20000 महीने की नौकरी कर, 20000 महीने की नौकरी करके तुम क्या उखाड़ सकते हो, क्या कर सकते हो, एक दिन का तो 500 रुपये गया, यहाँ एक दिन का अपना ब्रांड भी बना रहे हो, अपना नाम कर रहे हो, वो भी रोब के साथ, मैं अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं उसका मालिक हूँ, मैं उसका डायरेक्टर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, फिर क्यों कर रहे हैं, अपना बिजनेस करो, आगे बढ़ो, आज तक कोई आगे गया है तो अपना बिजनेस से, अपने बिजनेस सोर्स से, अपनी कंपनी। तो दोस्तों आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको 500 रुपये मिल रहा है, यहाँ पे आपको 1000 रुपये मिल रहा है, चलिए हम 1000 भी नहीं मानते हैं, हम 500 मान लेते हैं, आपने 5 ही किलो फल किया, तो भी 5 किलो फल किया, आज ये अपना 5 किलो किसी के घर ब्रांड पहुँचाए हैं, कल का यही 500 रुपये आपका 50000 बनने में देर नहीं लगे, सिर्फ और सिर्फ आपको धीरज रखने की ज़रूरत है और कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। आप एक दिन मार्केट में जाइए, एक भी प्रोडक्ट ना बेचे कोई बात नहीं है, हमें उद्विग्न हिरास नहीं लाभ, दूसरे दिन जाइए ना बिके कोई बात नहीं, तीसरे दिन ना बिके कोई बात नहीं, चौथे दिन तो बिकेगा, अपना ब्रांड है भाई, अपना ब्रांड बना रहे हो, घर पे खाने के लिए घर पे खाना तो मिलेगा, किसी भी 4 भात तो नहीं मिलेगा, घर पे 2 रोटी तो है, रोटी तो खा लोगे, दिन पे अपना प्रोडक्ट बेचो, जिस दिन आपको उस फिल्फ की कला आ जाएगी, लोग अपने प्रोडक्ट को मांगने लगे, जब लोग अपने आपके प्रोडक्ट को मांगने लगे तब उस दुकानदार के पास जाओगे ना, दुकानदार कहेगा भैया रख दो, अब आप उसको कम परसेंटेज पे माल दोगे तो भी वो रख लेगा, इसलिए पहले ग्राहक के दिल में उतरो डायरेक्ट,
उसके बाद दुकानदार के पास जाओ, ऑटोमेटिक आप अपना ब्रांड बना लो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटिव कौन सा बिजनेस करना है, बिना पूंजी के कौन सा बिजनेस करना है, कैसे करना है, उसको मार्केट में हम कैसे सेल करें, हे हम अपना अनुभव आपको 25 से 30 साल का बताएंगे। मेरा अपना खुद का मार्केटिंग अनुभव आपको बताते हैं दोस्तों। मैं भी मेडिकल क्षेत्र में जब घुसा था हमें कुछ नहीं पता था, हमें यही था कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट बनवा के बेचती हैं। लेकिन जब हम 2010 में मार्केट में घुसे और 2012 में अपने मैन्युफैक्चरिंग मार्केटेड बाई कंपनी फार्मास्यूटिकल लॉन्च किए, तब हमें पता चला क्या होता है, सब कर सकता है। मैं भी गांव से हूँ, एक गांव का लड़का सब कुछ कर सकता है जो सिटी का लड़का नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आपके अंदर वो हौसले हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो एक आदमी करके आज ऊंचाई तक गया है। तो दोस्तों जब भी बिजनेस की शुरुआत करना, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं वो जानकारी आपको तुरंत पहुंचा दूंगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली हो और आपको ये लगता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, जिससे जो और मित्र हैं वो मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो भी अपना बिजनेस करें, इसी से रिलेटेड इसी से टाइप के बहुत सारे बिजनेस हैं दोस्तों, एक एक करके हम अपने चैनल पर आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि अब हमें नहीं देखा जाता कि कोई भी मित्र इस तरह से मेहनत करे, रात दिन मेहनत करे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन्हें भी प्रेरित करें, अपना बिजनेस करें और अपने बिजनेस को करते हुए अपने सपने को पूरा करें। अब जब ये बिजनेस आपका बड़ा हो जाए कि इस बिजनेस में आप कंपनी लेवल पर ले जा सकते हैं, तब अपनी मशीनरी डालिए, तब आपको कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों जब भी आप अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हैं, क्या कागजात लगेंगे, कौन से लाइसेंस लगेंगे, आपको कहाँ से मशीनरी खरीदना है, जो कुछ पूछेंगे सारी जानकारी हम प्रोवाइड कर देंगे, ये हमारा अपना वादा है आपसे। तो दोस्तों चलिए हमसे जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना, फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जाके एक ओके या थैंक्स लिख सकते हैं, हमें प्रेरित कर सकते हैं, हमें उत्साहित कर सकते हैं। हमारे अंदर और आत्मबल आता है जब आप लोग एक लाइक या कमेंट देते हैं। ओके सर, थैंक्स सर, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।